हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह, और आज मैं आपके सामने एक खास तरह की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, विच इज बेस्ड ऑन अ स्पेशल मूविंग एवरेज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। आज हम सारे मूविंग एवरेजेस का एक टेस्ट करेंगे, एक लाइव टेस्ट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे और उनके सॉल्यूशंस आपके सामने प्रोड्यूस करेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द मूविंग एवरेज एंड व्हिच इज दिस स्पेशल मूविंग एवरेज व्हिच इज नोन एज द हल मूविंग एवरेजेस, उसके बेनिफिट्स और उनका लॉजिक। सो माय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक प्योर इंट्राडे सेटअप दूंगा इन बैंक निफ्टी, जिसे आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो और बाजार से रेगुलर पैसे कमा सकते हो। ट्रेड कैसे करना है वो आपकी कॉल होगी। सो दिस वुड बी द टॉपिक दैट वी वुड डू टुडे। टॉपिक शुरू करने से वही पहले रिक्वेस्ट कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स सबको हमारे चैनल IVVM इंडिया के बारे में बताइए। वो इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें मार्केट की रियल नॉलेज मिल सके और बाजार से वो रियल कंसिस्टेंट रिस्क फ्री नॉन पैनिक बेस्ड पैसा कमा सके। विद दिस रिक्वेस्ट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन हल मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम तीन मेजर टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस की बात करें और उनके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। एक हो गई सिंपल मूविंग एवरेज जिसे आप लगाते हैं, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आपने कभी सुनी हो, और एक होती है वेटेड मूविंग एवरेज। तो तीन मूविंग एवरेजेस मैंने आपके सामने प्लॉट की, एक ही टाइम फ्रेम पे चलेंगे ताकि उन सबकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स आपको दिखाई दें और आपको पता भी लगे। तो दैट इज द पर्पस। अब तीन मूविंग एवरेजेस आपके सामने प्लॉटेड है। तो द ब्लू वन इज द सिंपल मूविंग एवरेज, द रेड वन इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द पिंक वन इज द वेटेड मूविंग एवरेज। अब देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है। सिंपल मूविंग एवरेज हर दिन को, मान लीजिए आप 10 डेज की मूविंग एवरेज निकालते हैं, तो हर दिन को इक्वल वेटेज देती है, यानी हर क्लोज प्राइस को इक्वल वेटेज जाता है जब हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज में हर किसी का वेटेज इक्वल होता है। व्हेन वी से कि हर का वेटेज इक्वल होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 10 डेज का मूविंग एवरेज दे रहे हो तो हर दिन के क्लोजिंग प्राइस को इक्वल वेटेज मिलती है, चाहे वो पुराना है चाहे वो नया। तो इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि सिंपल मूविंग एवरेज आपकी वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब करेगी और आपको ट्रेंड में ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेगी, ये अज्यूम करके कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। लेकिन उसके साथ एक वीकनेस भी आएगी उसमें। उसकी वीकनेस यहाँ पर आ जाती है कि अगर वाकई वो रिवर्सल है तो आपको एंट्री और एग्जिट सिंपल मूविंग एवरेज में बहुत ज्यादा डिलेड मिलता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद अ सिंपल मूविंग एवरेज जो आप देख भी रहे हैं अपनी आंखों के सामने। द सेकेंड टाइप ऑफ मूविंग एवरेज जो हमारे सामने आती है, विच इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो किसी हद तक सिंपल मूविंग एवरेज का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसके क्रिएटर ने जो करंट वैल्यूज होती हैं उन्हें ज्यादा वेटेज दिया। तो लेट सपोज हम 10 डेज की मूविंग एवरेज की बात करें, अगर हम 10 डेज के पीरियड की बात करें एक मूविंग एवरेज में, तो 10 डेज के मूविंग एवरेज में मतलब ऐसा बाइफर्केशन होता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल रहे हो, तो जो नियर मतलब सबसे करंट 4 पीरियड्स होंगे उन्हें 60% की वेटेज होगी, और जो लास्ट 6 प्राइजेज होंगे, ओल्डर 6 प्राइजेज, उन्हें सिर्फ 40% की वेटेज होगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस केस में वो प्राइजेस को ज्यादा रेस्पॉन्सिव हो जाती है, दैट्स गुड। लेकिन कई बार हम फॉल्टी सिचुएशंस में एंट्री ले जाते हैं, बाय सेल बाय सेल। इसका एक थर्ड फॉर्मेट होता है वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल से भी फास्ट होता है, प्राइजेस को बहुत हाईली रेस्पॉन्सिव होता है, बहुत तेजी से बाय सेल देता है, क्योंकि उसमें हर दिन को इक्वल वेटेज मिलता है, अलग अलग वेटेज मिलती है। मैं अपोलॉजीज, मान लीजिए आप 10 दिन लेते हैं
तो अगर मैं 10 दिन काउंट करके चलूं वेटेज मूविंग एवरेज में, तो इस प्राइस को 1:10 की वेटेज है, इसको 2:10, इसे 3:10, 4:10, यानी जितने भी प्राइजेस हैं उन्हें उनकी पुराने होने के हिसाब से उतनी ही कम वेटेज मिलेगी। तो ये करंट प्राइजेस पे सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती है, जिसकी वजह से इसमें क्वालिटी बाय सेल्स बहुत ज्यादा आते हैं। क्वालिटी बाय सेल्स ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंपल। अब सिंपल यूज करूँ तो प्रॉब्लम, वेटेड यूज करूँ तो प्रॉब्लम, एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हो तो उसके अपने इश्यूज आते हैं। अब हम चाहते थे एक ऐसी मूविंग एवरेज जो सिंपल और वेटेड दोनों की ताकत को बराबर उठाए, बराबर उठाए। तो द न्यू टाइप ऑफ मूविंग एवरेज विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इज नोन एज द हल मूविंग एवरेज, जिसे हम क्वाइट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, द हल मूविंग एवरेज। तो इसके कलर को और इसके स्टाइल को बदलना बनता है ताकि ये आपको अलग से दिखाई दे, ठीक है ना? तो हल मूविंग एवरेज आपको अलग से दिखनी चाहिए। तो हल का कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, थोड़ा सा ब्राइटन, ताकि वो अलग से नजर आए आप लोगों को, समथिंग लाइक दिस, राइट? और इसका थोड़ा बोल मोटा करते हैं ताकि ये इसका थोड़ा अलग दिखे। सो दिस इज द हल मूविंग एवरेज। अब हल मूविंग एवरेज जो होती है वो एक ट्रेंड लाइन की तरह बहुत खूबसूरती से उसे यूज किया जा सकता है। द हल मूविंग एवरेज कैन बी यूज एज ट्रेंड लाइन वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये सिंपल मूविंग एवरेज की ताकत और एक्सपोनेंशियल सॉरी वेटेड मूविंग एवरेज की ताकत दोनों को अपने साथ लेकर चलती है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने सिर्फ हल लगाई और सिंपल लगाई, देखिए सिर्फ हल और सिंपल हल, देखिए प्राइजेस को बहुत अच्छी तरह रेस्पॉन्स दे रही है। और सिंपल जैसे मूविंग एवरेज होती है वो देर में रेस्पॉन्स देती है, उसके से ज्यादा रेस्पॉन्सिव हो रही है। प्लस इट इज ऑल्सो कैन बी यूज एज अ ट्रेंड लाइन, देखिए बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन की तरह यूज हो रही है और एम टू एम नहीं दे रही, भले ही थोड़े ट्रेड ज्यादा है। ट्रेड बचाने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन समझ में नहीं आता कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक पैरामीटर लगाना। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी इंडिकेटर को एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स पे सेट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे सेट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे टाइम फ्रेम पे भी सेट हो या दूसरे प्रोडक्ट में भी वही पैरामीटर्स चल जाए। तो जो अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ वो बैंक निफ्टी को लेकर करेंगे, तो क्या वही पैरामीटर्स निफ्टी में लग जाएंगे ऑन द सेम टाइम फ्रेम? द आंसर इज नो, नहीं लगे। कभी कभार फिट भी हो जाते हैं, लेकिन 90% केसेस में आपको उसे और ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारा कंप्लीट ऐप पे कोर्स है, आप उसे देख सकते हो। उसमें हमने आपको कोई इंडिकेटर्स नहीं सिखाए हैं, बिलीव मी, जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का हमारा सेगमेंट है ऑन आवर ऐप, उस पर हमने आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं सिखाया है। हमने सिर्फ टेक्निकल्स में आप गलती कहाँ करते हैं, दो तीन इंडिकेटर्स और दो तीन टाइम फ्रेम्स को जोड़ना, व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन और किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है इंडिकेटर्स को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, वो सब चीजें सिखाई गई हैं, जिससे आपका टेक्निकल कभी भी फेलियर ना हो, दैट इज आवर टारगेट इन दैट। क्या वो सेकेंडरी बात हो गई, मैं उस पर नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हैं कि इट इज मोर रेस्पॉन्सिव देन सिंपल मूविंग एवरेज, दाउ हैविंग द पावर ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम सिंपल को हटा देते हैं पर एक्सपोनेंशियल को लेते हैं। अब दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो आप देखिए इट इज अ लिटिल बिट मोर क्लोजर टू एक्सपोनेंशियल बट स्टिल एक्टिंग एज अ मच बेटर ट्रेंड लाइन। तो हल ने इन सब का सॉल्यूशन निकाला एंड फाइनली द वेटेड मूविंग एवरेज, देखिए क्वाइट इक्वल एज अ वेटेड मूविंग एवरेज ऑन द सेम टाइम फ्रेम बट स्टिल मच बेटर देन वेटेड। आप देखिए ना वेटेड की तरह मतलब ओवर फास्ट हो रही है ना ओवर स्लो, हर चीज को रेस्पॉन्स में दे रही है, मतलब अगर एंट्री करवा रही है तो एग्जिट भी करवा रही है। हेंस वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स दैट यू कैन यूज फॉर ट्रेडिंग ऑन इंट्राडे बेसिस इज द हल मूविंग एवरेज। हल मूविंग एवरेज के दाव तो बहुत सारे यूज होते हैं बट द इजिएस्ट एंड द मोस्ट कॉन्फिडेंट वे इज टू यूज इट एज अ ट्रेंड लाइन, टू यूज इट एज अ ट्रेंड लाइन।
तो मैंने क्योंकि इसे पहले से ऑप्टिमाइज कर रखा है, इफ वी विल प्लॉट अ 17 पीरियड, 17 पीरियड हल मूविंग एवरेज ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑन बैंक निफ्टी, इट इज फिट, बिल्कुल फिट सौदा ही है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करा रहा हूं। अब अगर मैं यही चीज निफ्टी पे लगाऊं, तो इसी चार्ट को अगर मैं निफ्टी फिफ्टी पे लगा दूंगा तो ये फिट नहीं है, दिस इज नॉट अ फिट, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। तो जो चीज निफ्टी बैंक पे फिट हुई, तो निफ्टी बैंक फिर से लगाते हैं, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी पे देखिए फिगर कैसी है ऑन द सेम टाइम फ्रेम विद हल, और निफ्टी पे कैसी है आपने अभी देखा। तो निफ्टी पे ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर्स बदलेंगे, तो जो चीज निफ्टी बैंक पे फिट हुई है जरूरी नहीं है वो बैंक वो निफ्टी पे भी फिट हो जाए या रिलायंस पे। हाँ एक बार आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज कर लिया तो जिंदगी भर आपके साथ चलेगी। अब इसे यूज कैसे करना है, रियल टाइम चार्ट। सबसे पहले स्कैंडल स्टिक्स को स्क्रीन से हटा दो, बिल्कुल हटा दो, ये बहुत पैनिक क्रिएट कर, इसे कन्वर्ट करो लाइन चार्ट। ये हो गई आपकी लाइन चार्ट की क्रिएशन। नाउ व्हाट इज अ लाइन चार्ट, लाइन चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस चार्ट। अब हम इसे प्राइस एक्शन थ्योरी की तरह यूज करेंगे, प्राइस एक्शन थ्योरी विद द हेल्प ऑफ हल मूविंग एवरेज, दैट इज द पावर ऑफ हल मूविंग एवरेज। कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझ, ये जो प्राइस लाइन जिसे आप देखते हैं, समझिए इस बात को, दिस इज एज गुड एज अ 1 पीरियड मूविंग एवरेज। देखिए अगर मैं एक मूविंग एवरेज लगाऊं, सिंपल मूविंग एवरेज, वो ऐसी लगती है 9 पीरियड की, राइट, ये आप इसलिए करते हैं कि वॉलिटिलिटी एब्जॉर्ब कर सकते। लेकिन बाजार में जब आप काम कर रहे हो तो आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं कि इमीडिएट रेस्पॉन्स चाहिए, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे पास। एक चार्ट फिर से खोलते हैं इसे समझने के लिए। प्राइस एक्शन थ्योरी का मतलब क्या होता है, करंट प्राइसेस पे रेस्पॉन्ड करना, राइट, और इंडिकेटर्स में वो ट्रबल है कि वो करंट प्राइसेस पे रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इसका रीजन है। मैं आपको समझाता हूँ, ये मैंने फिर से लाइन चार्ट लगा ली निफ्टी की, 15 मिनट्स चार्ट जो आप उधर देख रहे थे सेम चार्ट। अब इसमें मैं दो इंडिकेटर्स प्लॉट करता हूँ, लेट सपोज ई आई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने दो लगा दिया आपके सामने, एक 9 तो दूसरा 18, ऐसे कर देते हैं और इसका कलर बदल देते हैं। अब क्रॉस ओवर आता है, अब इसका भी कलर थोड़ा सा शायद बदलना पड़े, द रीजन बीइंग वो ब्लू हो रही है। ओके दैट्स बेटर, ओके अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिए जब आपका बाय निकल के आता है किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में जब ये बाय आ रहा है या ये सेल आ रहा है, तो आप इस बात को समझिए, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब ये सेल निकल के आया तो प्राइजेस यहाँ नहीं, यहाँ पर है, तो ये बाय आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, ये सेल आपको यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है। अब कोई बाय निकल के आता है, जैसे ये वाला बाय, ये बाय, ठीक है, दिस इज द बाय, तो प्राइजेस यहाँ है, द जेन्युइन प्राइजेस आर हेयर। तो आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ बाय कर रहे हैं, यू आर बाइंग वेन द प्राइजेस हैव ऑलरेडी मूव्ड एट अ सर्टेन लेवल, तो उस वजह से प्राइजेस में डिले आता है, राइट, एक डिले का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप ये समझिए कि जब आपको बाय सेल मिल रहे हैं तो प्राइजेस कहीं और खड़े हैं, दे आर नॉट स्टैंडिंग वेयर यू आर बाइंग और सेलिंग। अब आप चाहते हैं कि जब ये क्रॉस ओवर हो तो प्राइजेस भी वही हो, तभी आपको इंट्राडे में प्राइस एक्शन थ्योरी के थ्रू पैसा बनेगा। तो इस बात को फिर समझिए आप लोग, मैं कोई और इजियर एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो आपको और विजन क्लियर करेगा आपका, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्प मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हाँ इस लोकेशन को कंसिडर करते हैं कि देखिए ये जो सेल आया है यहाँ, तो प्राइजेस आर नॉट स्टैंडिंग हेयर, दे आर स्टैंडिंग हेयर, तो आप जेन्युइनली सेल इधर कर रहे हो, नॉट इधर, इधर सेल नहीं हो रहा, इधर सेल हो रहा है, तो दिस इज द पॉइंट यू सेल। ये जो बाय निकल के आ रहा है आप यहाँ बाय करते हो, यहाँ बाय नहीं कर रहे, इस बात को समझो। लेकिन अगर प्राइस एक्शन थ्योरी होती तो आप उसे यहीं बाय कर, एग्जैक्टली यही, सो दैट इज वन थिंग। तो ये होती है मूविंग एवरेज की डिले का इश्यू जो आपको समझना था। अब अगर मैं आपको ये वाली मूविंग एवरेज दिखाऊं, एक सिंपल मूविंग एवरेज इस पे लगाऊं, तो ये जो प्राइस लाइन होती है ये भी एक तरह का मूविंग एवरेज है। किस तरह का मूविंग एवरेज है, ये एक 1 पीरियड मूविंग एवरेज,
ये देखिए बिल्कुल प्राइस लाइन के ऊपर है, जरा सी भी इधर उधर, इतनी सी भी उधर उधर है, एग्जैक्टली वहीं पर जहां पर प्राइस लाइन है। तो प्राइस लाइन को हम 1 पीरियड मूविंग एवरेज बोल सकते हैं, राइट? तो इसे प्राइस एक्शन थ्योरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए? आप प्राइस लाइन को देखकर बाय सेल एक्शन इंटरेस्टेड। तो प्राइस लाइन जब हल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काटेंगी तो सेल, और नीचे से ऊपर काटेंगी तो बाय। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेड, ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स, ब्यूटीफुल मनी ऑन रेगुलर बेसिस द मार्केट, और बहुत मोटा पैसा आता है इसमें। मैं इस चीज को प्रूव करने के लिए आप थोड़ी सी रिसर्च कराता। सो लेट्स डू द रिसर्च ऑफ फेब्रवरी। काफी वॉलेटाइल रहा है फेब्रवरी का मंथ, राइट? तो एक फेब्रवरी के मंथ की रिसर्च कर लेते हैं, छोटी सी, 4-5 दिनों की करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, राइट? सो 17 पीरियड हल मूविंग एवरेज आप देख सकते हो आपके सामने लगी हुई है, एंड हेयर वी स्टार्ट विद फेब। हम यहाँ से फेब की शुरुआत करेंगे। नाउ व्हेन वी से इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब होता है सौदा 9:15 की कैंडल पे बनता। 15 मिनट की कैंडल है तो 9:15 पे जो ट्रेड शुरू हो रहा है, 9:15 की कैंडल पे वो लॉजिकली 3 बजे हिट हो रहा है, और 3 o'clock जो ट्रेड हिट हो रहा है वो, सॉरी, 9:30 में जो ट्रेड हो रहा है वो 3 बजे की कैंडल, यानी स्क्रीन पे 3:15 बजे होंगे, उस समय स्क्वायर ऑफ कर दो, 15 मिनट की कैंडल है ना। तो यहाँ पर जो टाइम दिखता है वो कैंडल का स्टार्टिंग टाइम होता है, तो 15 मिनट उसमें ऐड करोगे तो क्लोजिंग टाइम दिखेगा। तो हम ट्रेड उसी हिसाब से लिखेंगे। तो वी हैव ओपन अप आवर एक्सेल बुक, हम बाय सेल लिखते हैं, और हम 1 फेब लिख लेते हैं 2023। अब स्क्रीन आपके सामने, ये रहा 9:30 बजे, 9:15 हो रहे, इसका मतलब ये 9:30 हो रहे, 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसे मैं कैंडल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये 15 मिनट की कैंडल है, लेकिन हम लाइन चार्ट देखेंगे, हम कभी भी कैंडल स्टिक चार्ट इसमें नहीं देखेंगे, नहीं तो परेशान रहेंगे। हाँ, हम लाइन चार्ट के हिसाब से ही सौदा लेंगे, क्रॉस ओवर प्रॉपर मिलेगा। ये देखिए, आप इसे कैंडल पे देखेंगे तो भी 41,113 की क्लोजिंग है, कैंडल लगा दूंगा तो भी यही रही, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। मैं कैंडल यूज कर लूँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाए। तो 41,114 पे आपका बाय, तो फर्स्ट बाय ये वाला है, और इसका सेल आया है, ठीक है, ये देखिए अपने आप चलता है 41,239। तो 41,239 पे मैंने सेल किया, और ये डबल सेल हो गया क्योंकि नाउ द मूविंग एवरेज इज सेइंग द मार्केट इज गोना गो डाउन, तो ये डबल सेल है, सिंगल सेल नहीं है। और फिर इसका बाय मुझे मिला यहाँ 41,493। कोई बात नहीं, हम लेंगे, छोटा सा लॉस लेना पड़ेगा। और 41,493 पे जो बाय किया उसने आपको टॉप पे बिकवाना है 529, और 41,529 पे आपने डबल सेल किया क्योंकि नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन, एंड द मार्केट फेल एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। और ये 3 बज गए, 3 बज गए, मतलब स्क्रीन पे 3:15 हो गए हैं, 40,509 पे दिन खत्म। एक दिन, सिर्फ एक दिन देख लीजिए, और ये सबसे आपका डरा हुआ दिन होता है, विच इज द डे ऑफ बजट, और इस दिन इस स्ट्रैटेजी ने आपको करीबन करीबन 900 पॉइंट कमा कर दिया। चलिए मैं मान लेता हूँ, आगे चलते हैं सेकंड पर। रूल्स आर रूल्स, 9:15 बजे हम ट्रेड शुरू करेंगे, 9:15 बजे यहाँ, दिस इज द 9:15 टाइम, मेरे पास बाय है क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं दे आर अबव द हल मूविंग एवरेज, तो 40,212 पे हम बाय करेंगे, और इसका जो सेल निकल के आएगा वो यहाँ है। देखिए एक छोटा सा ट्रेड आया है, लेना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, 41,61 और 42,30। तो 41,61 पे इसने हमें सेल करवाया, और 42,30 पे फिर से बाय भी करा दिया। अब यहाँ परेशान मत होइए, बाजार है, ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं बाजार। और जो इसने बाय कराया उसका सेल आया 43,04, तो फिर से पैसे आए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यार से ट्रेड करवा रही है, और इसका बाय करवा दिया 43,28, और एग्जिट का टाइम आ गया है, 3 बजे एग्जिट कर देंगे हम ट्रेड से। ये बज गए 3, ये 3:15, 3:15 नहीं, 3, 46,51। आज के दिन भी प्रॉफिट आया होगा,
तो आज का दिन ओवरऑल मेरा +250, तो पैसे तो आए हैं। अब थर्ड फेब को देख लेते हैं। थर्ड फेब हम वही 9:15 बजे ट्रेड शुरू करेंगे। सो 9:15 देखिए टॉप पे बाय करा रहा है, लेकिन मैं बिना सोचे बाय करूंगा 41,250 रुपये। तो 41,250 पे मैंने बाय किया और उसका सेल 41,015। तो अब क्या मैं इधर रुक जाऊं? नहीं, ये लॉस हुआ है, लेना पड़ेगा। और 41,015 पे जो उसने मुझे सेल कराया, उसका बाय करवाया 40,894, फिर प्रॉफिट। इसे मैं ट्रेंड लाइन की तरह यूज कर रहा हूं और मैंने प्राइस लाइन को एज अ क्रॉसओवर लाइन यूज कर पैसे बनाने का सिस्टम निकाल लिया। और फाइनली 3 बज जाएंगे अब हमारी स्क्रीन पे, 3 बज गए 41,514। वाह, 300 दे +500 पॉइंट। थर्ड, अब हम फोर्थ पैप की बात करें। फोर्थ नहीं है, हाँ सिक्स्थ है, सिक्स्थ पैप की बात कर लेते हैं। राइट, सिक्स्थ पैप। अब सिक्स्थ पैप का रिजल्ट देखते हैं। तो सिक्स्थ पैप ये रहा। अब देखिए 9:15 बजे पहले मेरे पास बाय है, मुझे बाय करना पड़ेगा क्योंकि तो प्राइजेस अभी भी ऊपर है, 41,569। मैं आगे का सौदा देखकर इमोशनल नहीं हो रहा और उसका एग्जिट मुझे मिला है यहाँ 41,612। तो मैं करूंगा, सेल में आ गया हूँ। अब बाजार यहाँ से थोड़ा वॉलेटाइल होता हुआ, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। 41,455 फिर से पैसे। और बाय कॉन्टिन्यूज, इसका सेल आया है मेरे पास 2:15 बजे 41,418। पैसे नहीं आ पाए लेकिन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो सेल किया 41,418, इसका दिन खत्म हो गया 41,361। आज का दिन भी +200 पॉइंट्स, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस रूल पे चलना है। और वॉल्यूम इज सब्जेक्टिव, वॉल्यूम इज हाईली सब्जेक्टिव। सेवेंथ फेब देख लेते हैं। खास स्ट्रेटेजी है सेवेंथ फेब, सेवेंथ फेब 9:15 बजे बाय का सौदा है 41,485, बाय हो गया। इसका सेल आया है 41,380। ब्रेन्स नहीं, सिस्टम। और इसका बाय मुझे मिला है 41,259। देख रहे हैं, कुछ नहीं कह रही है, बस प्राइस है 41,460। तो 41,259 पे बाय हुआ। सो दिस इज द सेल 41,461। एंड 41,461 पे जो सेल हुआ है उसका बाय ले लेते हैं। 41, ये तो दिन ही खत्म हो गया, माय अपॉलॉजी, सेवेंथ इज एंडेड। सेवेंथ को दिन 41,461 पे खत्म हो चुका है, ट्रेड ही नहीं है। अब मैंने कितने दिन, 1 वीक मैंने मोटा मोटा आप लोगों के लिए कर दिया, 1 वीक। और 1 वीक में आई एम +2,100 पॉइंट्स, 2100 पॉइंट बैंक निफ्टी के प्रॉफिट। अब यहाँ मैं आपको एक एक्शन देता हूँ। आप हमेशा आईबीबीएम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी इस तरह की रिसर्च आपके सामने करके लाए, या फिर आप लोग ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रिसर्च कर लेते हैं। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इज नॉट अ ब्रेन, इट इज अ कोडिंग। मैं चाहता हूं कि आप लोग 1 से 1.5 साल की रिसर्च इस पे करके हमें दें, हमारे कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या रिजल्ट्स रहे, क्या आपके मैक्सिमम एमक्यूएम्स रहे, क्या मैक्सिमम प्रॉफिट्स रहे, 1 साल पूरे का क्या रिजल्ट आपके सामने रहा। उसका रीजन है, आप लोग बार बार पूछते हैं आप डेटा क्यों नहीं देते। मैं डेटा दे दूंगा, लेकिन फिर उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्या? आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको किसी भी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप उसकी रिसर्च खुद करते हैं, अपनी ताकत से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से।
उस रिसर्च को करिए। अब मैं चाहता हूं कि 1 साल से 1.5 साल की रिसर्च इस स्ट्रैटेजी पे प्योर इंट्राडे पे 9:30 बजे ट्रेड शुरू और 3:15 बजे खत्म, यानी 9:15 की कैंडल पे ट्रेड शुरू और 3 बजे की कैंडल पे ट्रेड खत्म। देखिए कितने पैसे आप कमा सकते हैं, हमें भी बताइए कि आपने कितना कमाया। यार हमें पता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आप लोग अगर जान जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब आप इसे फ्यूचर पे करना चाहते हो, ऑप्शंस पे करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये आपके रिस्क रिवॉर्ड्स है, लेकिन एक सच्चाई से ये स्ट्रेटेजी। अब ये पैरामीटर निफ्टी पे मत लगाना, दैट इज 17 पीरियड हल मूविंग एवरेज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। क्या है, रिलायंस पे काम करेगी? पता नहीं। क्या निफ्टी पे काम करेगी? पता नहीं। हर के ऑप्टिमाइजेशंस अलग होते हैं और ऑप्टिमाइजेशंस का एक टेक्निक होती है, वो आपको आनी चाहिए। देखिए मैंने कितनी खूबसूरती से इन चीजों को बचा लेता हूँ। ये बाय मिला और सीधा यहाँ सेल मिला, लॉस नहीं दे पा रही हल मेरे, छोटे मोटे वो वेलोसिटीज तो आती है, ये तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड आया, पूरा दिलाया इसने मेरे को, ये तो लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑप्टिमाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। अब इस टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए। दिस इज अ रियल प्राइस एक्शन थ्योरी बेस्ड ऑन रियल सेटअप विद हल मूविंग एवरेज। कमाइए जितना कमा सकते हैं उतना कमाइए, हम IBBM आपके साथ है। विद दिस एंडिंग माई वीडियो ऑन हल मूविंग एवरेज, योर कोच सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।